वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा देख लिया करो। आपका थोड़ा सा वक्त किसी का वक्त बदल सकता है। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे कुछ नहीं हो सकता, सो प्लीज़ पूरी वीडियो देख कर जाना। चलिए तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हम पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि इंसान ने हर बार सोचा कि वो वक्त का पहिया थाम ले, वक्त से आंखें फेर ले, वक्त का रुख मोड़ दे या वक्त से आगे निकल जाए। इंसान के इस ख्वाब को बहुत से साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया गया है, फॉरएवर यंग से लेकर स्लीपिंग ब्यूटी तक। 1971 में जोसेफ हैपल और रिचर्ड ने 4 एटॉमिक क्लॉक्स एयरक्राफ्ट में रखी। इन एयरक्राफ्ट ने दुनिया का 2 बार चक्कर लगाया। अब दुनिया गोल है तो उनके चक्कर लगाने में फासला तो एक सा ही तय हुआ। रफ्तार एक थी तो वक्त भी उतना ही लगना चाहिए था, लेकिन जब एटॉमिक क्लॉक को देखा गया तो पता चला कि उनमें फर्क था। इस तजुर्बे से एक बात साफ हो गई कि वक्त जिस तरह गुजरता है वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। अमेरिका की नॉर्थ कैलोरिना स्टेट यूनिवर्सिटी की कैटी मैक कहती हैं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार मतलब लाइट स्पीड से सफर करते हैं और आप ब्लैक होल के आसपास हैं, तो जो वक्त आप सफर में महसूस करेंगे वो दुनिया में कहीं और बिताए वक्त से कम होगा। साइंस फिक्शन की कॉमेडी सीरीज रेड डॉर्फ में एक कल्पना की गई है। इस सीरीज में एक किरदार है लिस्टर, जिसकी जिंदगी में ठहराव आ जाता है। वक्त उसके आसपास नहीं गुजरता, वो ठहर जाता है। अब ये तो रही साइंस फिक्शन या कल्पना की बात। वक्त भले ही किसी जगह, किसी माहौल और किसी शख्स के हिसाब से गुजरता हो, मगर ये इंसान के अड़ पर होने का सबूत है। वक्त ही है जिसने हमें बताया कि हमारे पूर्वज क्या क्या कामयाबी हासिल कर चुके हैं। वक्त के साथ हमारी सोच बदलना तो आसान है, लेकिन वक्त के पहिए को रोक पाना बहुत बड़ी चुनौती है। बुरा वक्त भले ही धीरे गुजरता हो, अच्छा वक्त भले ही जल्दी चला जाता है, मगर वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। पर इंसान ने हार नहीं मानी है, वो वक्त के पहिए को थामने में जुटा हुआ है। अमेरिका की डिफेंस सेक्टर की कंपनी डार्पा इस वक्त समय के पहिए को थामने पर रिसर्च कर रही है। डार्पा एक ऐसा रिसर्च कर रही है जिसमें जख्मी सोल्जर्स के शरीर के ऑर्गन्स के काम करने की रफ्तार धीमी की जा सके, ताकि जब तक उसे मेडिकल हेल्प नहीं मिले तब तक उसके घाव और ना खराब हों। इसे बायोस्टेसिस कहते हैं। इसमें किसी इंसान के ऑर्गन्स की रफ्तार धीमी की जाती है। इस टेक्नोलॉजी से हम बीमार लोगों की हालत बिगड़ने से रोक सकते हैं, खास तौर से जंग में घायल सैनिकों की मदद में ये तकनीक बहुत काम आ सकती है। अगर डार्पा का ये रिसर्च कारगर होता है तो बायोस्टेसिस से मेडिकल की दुनिया में बहुत से काम किए जा सकते हैं। ब्लड बैंक में रखे खून की एक्सपायरी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे ही दूसरी बायो मेडिकल चीज़ों को हम ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से वैक्सीन, एंटीबायोटिक और एंजाइम को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अभी तो इन्हें जमा कर रखा जाता है, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। बहुत से जानवर हैं जो बायोस्टेसिस की मदद से खुद को मरने से बचा लेते हैं, जैसे जंगली मेंढक। सर्दियों के दिनों में मेंढक के शरीर की ज़्यादातर बायोलॉजिकल प्रोसेस थम जाती हैं। इसी तरह पोलर बियर सर्दियों में हाइबरनेशन यानी एक गहरी नींद में सो जाता है, जिससे उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस स्लो हो जाते हैं और फिर महीनों बाद वापस उनकी ज़िंदगी फिर से शुरू हो जाती है। इंसान भी मेडिकल साइंस में ऐसा प्रोसेस यूज़ करता है, जैसे हार्ट अटैक या दिमाग में चोट लगने पर इंसान के बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा किया जाता है, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। नासा मार्स मिशन के लिए ऐसे रिसर्च कर रहा है जिसके जरिए वो एस्ट्रोनॉट की बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा कर सके, ताकि ज़्यादा वक्त तक एस्ट्रोनॉट स्पेस में रह सके। स्पेस वर्क नाम की कंपनी के लिए काम करने वाले जॉन ब्रैडफोर्ड कहते हैं कि वो ऐसी दवाएं बनाने पर काम कर रहे हैं जिससे इंसान को गहरी नींद में सुलाया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे दोबारा उठाया जा सके, और साथ ही उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा भी किया जा सके ताकि उसकी उम्र ना बढ़े। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर चलने वाला प्रोसेस की रफ्तार आधी हो जाएगी। इससे उम्र 50% तक बढ़ सकती है। जो जानवर हाइबरनेशन करते हैं यानी काफ़ी वक्त तक गहरी नींद में सोते हैं, वो ज़्यादा दिनों तक जीते हैं।
अगर आप 6 महीने गहरी नींद में रहें तो आपकी उम्र 3 महीने तक बढ़ सकती है। फिलहाल तो रिसर्चर्स का मकसद उम्र बढ़ने के बजाय कुछ और है। फिलहाल जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का इंतजार करने वाले लोगों और दूसरे बीमारियों के शिकार इंसानों की मदद के लिए इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या साइंटिस्ट उम्र बढ़ाने और बायोलॉजिकल प्रोसेस को धीमा करने में कामयाब हो पाएंगे? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई और थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक कीजिए, वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।